बीएसएफ जवान तेज बहादुर यादव ने खाने की शिकायत की थी, खराब खाने की। लेकिन इन दिनों सीआरपीएफ के एक जवान का वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में सीआरपीएफ जवान ने सेना और सीआरपीएफ को मिल रही सुविधाओं की तुलना की है और उस पर सवाल भी उठाए हैं। अब सीआरपीएफ जवान का वीडियो। बीएसएफ जवान तेज बहादुर के बाद अब सीआरपीएफ के जवान जीत सिंह ने उठाई है आवाज। दोस्तों, मैं कांस्टेबल जीत सिंह सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का जवान हूं। मैं आप लोगों के जरिए हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री माननीय नरेंद्र मोदी जी तक एक संदेश पहुंचाना चाहता हूं। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी सीआरपीएफ के जवान जीत सिंह ने 2 मिनट 51 सेकंड के वीडियो के जरिए सेना और पैरा मिलिट्री फोर्स में भेदभाव को लेकर सवाल उठाए हैं। तो दोस्तों, आर्मी को पेंशन भी है, हम लोगों की पेंशन थी वो भी बंद हो गई। 20 साल बाद हम नौकरी छोड़कर जाएंगे तो क्या करेंगे? जीत के आरोप का सच क्या है? वर्ष 2004 तक सीआरपीएफ में भी पेंशन की सुविधा थी, लेकिन इसे 2004 में बंद कर दिया गया। इसकी जगह पर कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम लागू कर दी गई। इस स्कीम के तहत एक जवान को अपनी ही सैलरी का हिस्सा पेंशन के लिए देना पड़ता है और रिटायरमेंट के वक्त में इस रकम का 60% हिस्सा उसे मिल जाता है, जबकि 40% हिस्सा म्यूचुअल फंड में लगा दिया जाता है जो धीरे धीरे करके उसे पेंशन के रूप में मिलता है। वहीं सेना में पेंशन के साथ साथ वन रैंक वन पेंशन यानी ओआरओपी भी है और यही वजह है कि अर्धसैनिक बल के जवान भी अब इस ओआरओपी के लिए मांग करने लगे हैं। जीत का दूसरा, तीसरा और चौथा सवाल। एक्स सर्विसमैन का कोटा भी हमको नहीं, कैंटीन की सुविधा हमको नहीं, मेडिकल की फैसिलिटी हमको नहीं, ड्यूटी सबसे ज्यादा हमारी। आर्मी को जितनी फैसिलिटी मिलती है हमें उससे कोई ऐतराज नहीं, मिलनी चाहिए, लेकिन हमारे साथ इतनी भेदभाव क्यों? एक्स सर्विसमैन कोटा क्या है? सेना के जवानों को दोबारा रोजगार देने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें तमाम रियायतें मुहैया कराती हैं। इसके अलावा कुछ पदों में आरक्षण तो कुछ में डिग्री और उम्र में भी छूट दी जाती है। इसके अलावा रक्षा मंत्रालय का पुनर्वास विभाग भी पूर्व सैनिकों को सिक्योरिटी गार्ड एजेंसी की रजिस्ट्रेशन से लेकर लघु और मध्यम उद्योगों के लिए लोन देने की सुविधा भी मुहैया कराता है। कैंटीन सुविधा कैसे मिलती है? सेना में कैंटीन का अलग डिपार्टमेंट है सीएसडी। इसमें सामान काफी सस्ता मिलता है। अर्धसैनिक बलों के भी कैंटीन होते हैं जिनकी संख्या कम है। इन्होंने एक सेंट्रल पुलिस कैंटीन शुरू कर दी। अब वो पुलिस कैंटीन में क्या होता है कि हर साल टेंडर कॉल करते हैं, कुछ आइटम तो लोकल मार्केट रेट से भी ज्यादा है। सीआरपीएफ ने वायरल वीडियो पर सफाई दी है। ये सीआरपीएफ के जवान का वीडियो लगता है। ये वीडियो सोशल मीडिया में अक्टूबर 2016 में डाला गया। हम ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि उसकी पोस्टिंग अभी कहाँ है। मथुरा के रहने वाले जीत सिंह 2012 में सीआरपीएफ से जुड़े। एबीपी न्यूज ने जीत सिंह से बात की और ये जानना चाहा कि क्या उन पर भी वीडियो पोस्ट करने के बाद कोई दबाव डाला गया। जीत ने साफ कहा कि उनकी शिकायत अधिकारियों से नहीं बल्कि सरकार से है। तो पहले बीएसएफ जवान का वीडियो, फिर ऑडियो और अब सीआरपीएफ के जवान का वीडियो ये सामने आया है।